आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रश्मि सीधे लिए चलेंगे आपको राजधानी पटना जहां सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। सवाल सर एक है, हम एक ही बात आपके संज्ञान में आपके सामने ला देना चाहते हैं कि आप अपना ही उन दिनों का सब कुछ देख लीजिए, किसी और का मत देखिए, क्या क्या आपने कहा, क्या क्या लिखा और आज क्या हो रहा है, ये इन चीजों को मत भूलिए। सर लेकिन एक चीज बताइए, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का यूज किया जाना चाहिए, ना आप क्या कर रहे हैं? नहीं सवाल ही सर, आप भी बिहार के इलेक्शन में आपने भी इनकम टैक्स रेट को आपने झेला है सर, आपने भी इनकम टैक्स रेट झेला है और आप देख रहे हैं कि हर चुनाव में जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी पार्टी खड़ा होती है, कर्नाटक हो या कोई भी स्टेट हो, वहां पर सेंट्रल एजेंसीज को यूज किया जाता है और आज आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये नया टेम्पलेट है? अरे भाई आप तो एक विचित्र बात कर रहे हैं, हम तो न किसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर एजेंसी किसी को फंसाएगी तो मामला तो कोर्ट में जाएगा ना, क्योंकि मैंने फिर बता दिया कि मुझको जानकारी नहीं है, मैं उस तथ्य से अवगत नहीं हूं, क्योंकि एक बार अखबार में देख लेने से 10 लाइन उससे कोई तथ्य की पूरी जानकारी हो जाती है, ऐसा तो है नहीं। जब तक उसके तथ्य के बारे में अवगत नहीं, मैंने तो ऐसे ही एक जनरल बात आपको कही कि अगर कोई एजेंसी किसी के ऊपर कोई शुरू करता है, उसको मानता है कि एक्यूज्ड है, तो ऐसी स्थिति में उसके मानने से कितना हो दूर क्या होगा, वो तो अंत में अदालत को फैसला करना है, तो अदालत साबित नहीं कर पाएगा तो अदालत से उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं आपके प्रश्न का हम कोई जवाब नहीं दे रहे, हम आपके प्रश्न का जवाब दे करके हमको मैंने ऐसा हमको मूर्खता है, ऐसी मूर्खता नहीं है क्योंकि कल ही अभी से ही थोड़ी देर के बाद से आपका दिखाई पड़ जाएगा व्यू, लेकिन अब हम आपका व्यू आएगा तो एक बात हम बता देते हैं, आपका पुराना व्यू सब भी हम भी अब अगर ट्वीट करें तो याद करिएगा, पुराना व्यू भी हम ट्वीट कर सकते हैं, हम करते नहीं है ट्वीट जल्दी। एक बार हम राजगीर में बैठे हुए थे तो 10 ऐसे ही मेरे मन में विचार आया तो उसी समय लिख दिए, तो 5 किया फिर हमने छोड़ दिया, हमने कहा कि छोड़ो। तो ये बात हम इतना कह रहे हैं कि अपना ही व्यू भी देख लीजिए पहले से लेकर के अब तक, तो हमारा आग्रह है कि भाई हम लोगों का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा यकीन है काम में, काम कर रहे हैं और यहाँ का जहाँ तक सवाल है हम लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, कहाँ कोई दिक्कत है, काम में कोई कठिनाई, हर काम बिहार के लिए इतने बढ़िया ढंग से हो रहा है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर क्षेत्र में नई नई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जितने फंड का एलोकेशन हुआ है केंद्र के द्वारा, हम लोगों के पास जो संसाधन हम लोग अपने ढंग से कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं के लिए केंद्र के द्वारा किया गया है, तो हमको तो लग रहा है कि बिहार के हित में बहुत काम हो रहा। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आज योजना स्वीकृत हो गई तो 2 दिन में वो योजना आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन काम तो शुरू हो गया। हम लोग अपनी तरफ से जो राज्य सरकार को करना है राज्य सरकार कर रही है, बताइए, हम लोग एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर टीम का गठन करके 7 निश्चय के अंतर्गत गांव के अंदर जो हर घर नल का जल और गली हर घर तक पक्की गली और नाली के निर्माण का जो 2 निश्चय की योजनाएं थी उसके बारे में कुछ इधर उधर से शिकायतें मिली तो चीफ सेक्रेटरी ने टीम बना करके सैकड़ों जगहों पर भेजा और फीडबैक लिया और कहां क्या किस कारण से कोई बाएं दाएं कर सकता है उसको ठीक करने के लिए नए नए डिसीजंस लिए गए हैं कि भाई खर्च कर लोगे तभी पेमेंट होगा। एक मिनट मनीष जी प्लीज मेरी तरफ देखिए जरा काइंडली, बाएं वाएं मत देखिए, तो नहीं दाहिने देख रहे थे आप कह रहे हैं कि एक एक चीज जब हम लोगों के संज्ञान में कोई बात आती तो हम लोग किसी भी कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि आप हम या दुनिया का कोई आदमी कुछ गड़बड़ करने वाले को तो आप रोक क्या कीजिएगा, कुछ लोगों की मानसिकता होती, लेकिन देखना ये पड़ता है कि भाई स्कीम इस तरह से चलाइए
कि कोई गड़बड़ करना चाहे तो गड़बड़ न कर सके, तो हम लोग उस पर कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो कभी दावा नहीं करेंगे कि हम लोगों की कोशिश के चलते कोई कभी कहीं गड़बड़ी नहीं कर पाया। वो तो बहुत लोगों का स्वभाव होता है, किसी न किसी तरह से इधर उधर करना चाहता है। तो हम आपको एक उदाहरण बता दिए कि हम लोगों का काम है, अपने रिसोर्सेज से भी काम कर रहे हैं, उसको भी एक एक चीज़ को देख रहे हैं। अब अगर मौसम ठीक रहा तो हम तो रेगुलरली अभी जा करके हम देखेंगे, कई दिन जितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चीज़ में डिले क्यों हुआ है, हम ऊपर से ही पूरे अलाइनमेंट को देखेंगे 1000 फीट से, और बैठ करके फिर सबके साथ समीक्षा की कहाँ क्या कठिनाई आ रही, एक एक स्कीम के बारे में। तो हम लोग तो ये काम करते रहते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, मीडिया के भी एक सेक्शन में इन चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मीडिया के एक सेक्शन में कौन क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम उस पर कुछ कह सकते हैं क्या? आज़ादी है सर, हम तो पहले भी बता चुके हैं। एक बार जो कानून बना करके मीडिया की स्वतंत्रता को रोकने की बिहार में कोशिश की गई तो हम लोग सब जेल में गए थे। इसलिए आप चाहे जो भी व्यू एक्सप्रेस करिए, मुझको कोई एतराज नहीं, ये आज़ादी है मीडिया की। लेकिन हम यूं ही एक अपना व्यू कह रहे हैं कि भाई जो काम हो रहा है डेवलपमेंट का, उस ओर ध्यान कम रहता है। लेकिन समाज में तनाव पैदा करने वाली जो बातें की जाती है उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। अब आप ही बताइए, आज तक तो इतने दिनों से आप लोग देखें हम लोग किसी को बिला वजह का कोई अपशब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन रोज लोग अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या करें, करने दीजिए, सबका अपना अपना सर, मेरे है। मूल सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। सिटीजनशिप से जवाब दें, उसके बारे में जानते ही नहीं तो हम जवाब क्या? आप सिटीजनशिप एक्ट के बारे में भी नहीं जानते नहीं, सर। आप सिटीजनशिप एक्ट के बारे में कह रहे हैं तो सिटीजनशिप एक्ट, ट्रिपल तलाक, सिटीजनशिप एक्ट, साबरीमाला पे आपका क्या स्टैंड है? शुरू में आपको बता दिया शुरू वाली बात, अब दूसरे चीज पर आपकी रुचि है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बारे में जहां तक बात है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं। आप हमसे पूछ रहे हैं एज पार्टी प्रेसिडेंट, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए हम लोगों के नेशनल एग्जीक्यूटिव में जुलाई में हमसे मिले थे, असम का डेलीगेशन मिला था, ऑल असम जो स्टूडेंट्स यूनियन के लोग भी आए थे, और उसके बाद जब हम लोगों ने व्यू लिया तो असम गण परिषद के लोग भी आए थे, यहाँ हमसे मिले थे, उसमें हम लोगों ने अपनी बात रख दी। और जहाँ तक सवाल आप बोल रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपनी बात से अवगत कराया है वर्तमान सरकार में। कल देर शाम में भी हमारी बात माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से हुई है। हमको असम गण परिषद के लोगों ने परसों शाम में जानकारी दी थी, तो हमने इन लोगों को कहा कि असम गण परिषद के साथ बातचीत करनी चाहिए और इसका होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोगों का व्यू पब्लिक डोमेन में है, और बिल के बारे में जो हम लोगों की राय है एग्जिस्टिंग बिल, अभी तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज रिपोर्ट पेश हुई होगी, अब उसके आधार पर क्या अमेंडमेंट ये ला रहे हैं, किस तरह का बिल ला रहे हैं, वो देखने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मैंने सुझाव दिया है कि इसके बारे में जो असम की अपनी एक उनकी जो अपना एक सबका होता है एक अपने अपने बारे में, तो उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो अपनी पहचान है, असम के लोगों की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो अपनी पहचान है, उस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए, प्रहार नहीं होना चाहिए। असम के लोगों की जो एक अपनी भावना है उसका सम्मान करना चाहिए, और हम लोगों ने बाजाबता इसके पक्ष में ही अपनी बात कही, और हम लोगों का सुझाव है कि इसके बारे में कोई भी अमेंडमेंट हो तो असमीज आइडेंटिटी जो है, असमी लोगों, असम के लोगों की जो एक पहचान है उसका ध्यान रखना चाहिए, और बिना इन लोगों से चर्चा किए हुए कोई इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों का व्यू है। और कौन चीज था? ट्रिपल तलाक के बारे में तो हम लोग बोल चुके हैं। हम लोग जो अयोध्या बंदर का सवाल है इसके बारे में शुरू से है, या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले से होगा, तो कोर्ट में मामला चल रहा है, अगर आपसी बातचीत से कोई चीज़ निकलता वो भी अच्छा है, कोर्ट का फैसला, दोनों में से कोई रास्ता इसका निकलना चाहिए, ये हम लोगों की शुरू से राय है।
जहाँ तक ट्रिपल तलाक की बात है, एक ट्रिपल तलाक में के का जो एक प्रभाव बहुत सारी महिलाओं के ऊपर पड़ा है, उसको लेकर के उन लोगों ने अपना अभियान चलाया, लेकिन यह एक खास धर्म को मानने वाले लोगों के बीच की परंपरा है। तो ये उनको प्रेरित करना चाहिए कि अपने यहाँ अगर कोई सिस्टम में कमजोरी है तो उसको दूर करें, यानी उनसे बात करनी चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। लेकिन अगर ये सोचिएगा कि आप उनके ऊपर बगैर उनकी सहमति के कोई चीज बनाते हैं तो उनको बुरा लगता है। और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाओं का भी हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया हुआ है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों के दल का यही सुझाव है कि इन चीज़ों में इंटरफेयर करने के बजाय आपस में इंटरैक्ट करना चाहिए, और इंटरैक्ट करके उस समस्या के बारे में लोग विचार करेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग खुद सोचेंगे कि अगर ये गलत है तो उसमें अपने आप उसमें संशोधन करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये हम लोगों की राय रही है जो बोलते रहे, लेकिन ये अपनी अपनी हर पार्टी की राय होती है। आपने हमसे पूछा, अपनी राय हमने बता दी, लेकिन इन चीज़ों का बिहार के न्याय के साथ विकास के मामले में उसका कोई रिश्ता नहीं, और बिहार में बहुत जम करके डेवलपमेंट का काम हुआ। अब भले ही उसकी रिपोर्टिंग कम हो रही हो, एक अलग बात है, आप खुद जाकर देखिए जिस तरह से काम हो रहा है, हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या बिहार में कुल मिलाकर के एक सद्भावना का माहौल है। इक्का दुक्का इंसिडेंट, कोई आपस में विवाद करना, झगड़ा करना, वो अलग बात है। हम लोगों ने आज तक 13 वर्षों के अंदर जब से काम करने का मौका बिहार की जनता ने दिया है, तो आप समझ लीजिए कि इतने 13 वर्षों के अंतर्गत कभी भी हम लोगों ने दंगा होने नहीं दिया। आपस में विवाद कहीं कहीं हुआ है, उसको समझाने की कोशिश की है और उसको संभाला है, और जो गलती करने वाले लोग हों, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, उनके ऊपर बाजाब्ता कार्रवाई हुई है। तो ये सारी बातें हुई है। आप सोच लीजिए 13 वर्ष के अंदर सिर्फ एक बार नवादा में कर्फ्यू लगा, आप जरा बता दीजिए ना भाई कि कहां कौन सा राज्य है जहां इतना ज्यादा सद्भावना पर जोर है, ऐसा कोई माहौल है। किसी भी बात को लोग हाईलाइट आजकल करते हैं, मॉब लिंचिंग। आप किसी भी चीज को आप मॉब लिंचिंग कह रहे हैं, खुद ही सोचिए कि कैसा मॉब लिंचिंग है, कौन कर रहा है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी की मॉब लिंचिंग कर रही है, क्या कर रही है, किस चीज को देखिए एनालाइज करके। और हम लोगों के यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इक्का दुक्का घटना गांव का लोग इकट्ठा होकर के किसी के साथ कुछ कर देता है, तो ये तो लोगों की मानसिकता है, आप ये कभी नहीं कह सकते। और उदाहरण दे लीजिए, अपने जन्म के बाद से ही पूरी जानकारी पता कर लीजिए, कस की अवधि में सामूहिक रूप से मिल करके कोई किसी को मारा है कि नहीं मारा है। लेकिन अब आजकल वीडियो वायरल होता है, मॉब लिंचिंग की कहानी चलती है, यह भी मान लिया जाता है कि कोई कॉमनल नहीं है, यह कह दिया जाता है कि मेरा फेलियर है। अब आप बता दीजिए, मेरी जगह आप ही में से कोई बैठ जाए और 11 बजे रात में या कोई भी देर रात में किसी के घर से कोई चोरी हुई है, चोर पकड़ा गया, उसको सब मिल करके पीट पाट करके मार दिया, तो इसको इसका कोई नियंत्रण यहां से हो सकता है? इस मानसिकता का नियंत्रण आप कर सकते हैं? हर धर्म के लोग इतने पुजारी हैं, आज आप देख लीजिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, आजकल पूजा करने वालों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन आप देख लीजिए ये सब क्या होता है। जब भगवान का और खुदा का लोगों पर डर है ही नहीं, कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप समझ रहे हैं कि रात में 11 बजे कौन क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग पूरा समझ लेंगे? तो इसको भी सोचा जाए, जरा सा अन्य एंगल से भी सोचा जाए कि हम लोग अपनी तरफ से कोई बात नहीं है जिसमें एक संवेदनशील तरीके से अपनी तरफ से एक्ट नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा बहुत दीजिए, हम नहीं कहते हैं कि हमको दीजिए ज़्यादा महत्व, अरे 2-4% भी दे दीजिए, वो तो हम देख ही रहे हैं, सेंट परसेंट कहीं और मिला हुआ है। ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले, हमने तो यही कहा था कि आपने ऑर्डिनेंस फाड़ा था,
तो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले आजकल क्या कर रहे हैं, जरा हमको बता दीजिए, किन लोगों के साथ मिल रहे हैं। तो मतलब तो साफ हो गया ना भाई कि अब वो सारी चीजों का कोई महत्व नहीं। मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए, हाँ हाँ पूछिएगा जरा, मनीष जी का हो जाए तब फिर आप लोगों के लिए, उसके बाद मनीष जी छोड़ देंगे। चलिए पूछिए। हाँ, हम सवाल का जवाब, हम तो पूरा अपना आइडिया रख दिया आपका। मुख्यमंत्री जी 2000 आपका सवाल सवाल ही नहीं जी। देश संविधान से चलेगा, देश और दूसरे चीज से नहीं चल सकता है। लेकिन अलग अलग विचार है तो अलग अलग विचार है। एक को तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की इजाजत है संविधान में। लेकिन इक्वली देखिए, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इक्वली आप दोनों चीज पर ध्यान दीजिए। भ्रष्ट को आप हाईलाइट करेंगे। हम आपको तीन एग्जांपल देते हैं। झारखंड में मधु कोड़ा की बीवी गीता कोड़ा हर राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट करती है तो उसके खिलाफ में केस गोसलो हो जाता है। पलामू में आप परसों भी देखिए, बीजेपी पार्टी बुके ले रहे हैं। मनीष बाबू, करप्शन का डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। मनीष बाबू, ये सब सवाल बीजेपी के पार्टी ऑफिस में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सर, लेकिन आपका भी डबल स्टैंडर्ड हो गया है। मेरा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है तो आपका है। आई टेल यू फर्मली, हम कहा नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम तो टोटल फॉलो कर रहे हैं। आपके एलआई के साथ भाई ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले भ्रष्टाचार को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं थे तो मेरे लिए साथ चलना मुश्किल था। हम कहां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम लोग कहां कॉम्प्रोमाइज किए हैं? 1996 से हम लोगों का, जब समता पार्टी थी, जॉर्ज साहब लीडर थे, तब से बीजेपी के साथ है। बीच का 3 साल 4 साल छोड़ दीजिए, और तब से जो स्टैंड हम लोगों का है बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है, और वो स्टैंड आज भी हम लोगों का कायम है। इसके बाद काम कर रहे हैं यहां हम लोग, लोगों की राय अपनी अपनी अलग हो सकती है, लेकिन जनहित में बिहार के विकास के लिए हम लोगों का कॉमन स्टैंड है और साथ मिलकर के बिहार की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 2017 में आपने फिर से बीजेपी से हाथ मिलाया था तो आपने कहा था कि 2019 में पीएम के लिए नो वैकेंसी है। आज इतने लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि सरकार एनडीए की बन जाएगी और पीएम की नो वैकेंसी है, या 3 स्टेट में करारे हार के बाद बीजेपी का और यूपी में बीएसपी और एसपी को आपस में आने के बाद कुछ अंतर आपको दिखाई पड़ता? नंबर एक हम आपको बता दें, 3 स्टेट के बारे में आपको पूछा, तो ये तो जनता मालिक है ना, जनता मालिक है, वो फैसला करती है। हर का अपना अपना विचार है और अपना एक सोच है, लेकिन अल्टीमेटली जनता मालिक है। लेकिन हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव जरूर हार गई जी, लेकिन अरे सुन तो लीजिए ना भाई, आप माइक के पीछे में डिस्टर्ब कीजिएगा, लेकिन बीजेपी को वोट कितना आया? 0.1% वोट बीजेपी को आया है कांग्रेस से ज्यादा। राजस्थान बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी को वोट कितना आया है? 0.4%।